देखो सर ने तो अथक प्रयास और परिश्रम से एक शिक्षक का व्यवसाय चुना और ये समय अब आपका ऐसा है कि बहुत ही संघर्षशील रह के कंपटीशन का जमाना आप आराम से कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के इस विदाई समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सुरेश कुमार जी रावल साहब। इस कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता कर रहे यहाँ से विदा होने वाले हमारे साथी कर्णाराम जी साहब, पड़ियारक डाणी के संस्था प्रधान दानाराम जी, भीमखेड़ा के संस्था प्रधान भवानी सिंह जी, स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक सुरेश कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, प्रेम सिंह जी, भूरा राम जी और हमारे सैन्य साथी हमीद खान जी, दड़ा राम जी, जालम सिंह जी, बाहर से पधारे हुए हमारे आज नजरों के कैद में करने वाले कैमरामैन भाई साहब, फोटोग्राफर जी और जो माइक की जो व्यवस्था है संचालन करता वो, और विदा लेने वाले हमारे इस विद्यालय के जो सबसे बड़ी क्लास के छात्र छात्राएं और बाकी छात्र छात्राएं आज बड़ी, वैसे तो खुशी की बात है कि अपने स्थानीय विद्यालय के कक्षा बारहवीं के छात्र जिन्होंने 12 वर्ष तक स्थानीय विद्यालय में एक पढ़ाई का कार्य किया और आगे आपकी जीवन का जो करियर आपको कैसे बनाना है वो आज से आपकी शुरुआत होगी। अब तक आपके कुछ नहीं है, अब तक तो आपने गुरुजन को जैसे गुरुजन ने शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुरूप ही आपने पढ़ाई जारी की है। ये बारहवीं कक्षा के बाद में आपको जीवन में क्या बनना है वो आपको अब तय करना पड़ेगा। जैसा आप जीवन में तय करोगे वैसा ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आगे कॉलेज ही नाम है उनका। कॉलेज में जैसा आप व्यवहार करोगे, जैसी आप संगत करोगे, जैसा आपके विचार करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। यदि आपको राजनीति में उतरना है, जीवन में आपको कुछ शिक्षण कार्य करना है, क्या करना है वो आपको अब आपको तय करना है। पढ़ाई होती रहेगी, परीक्षा होती रहेगी, उनके साथ साथ में आपके मन में मनन करना कि हमारे को क्या बनना है। जैसे गुरुजन बनने हैं, गाड़ी चलानी है, एरोप्लेन चलानी है, टीके लगवाने हैं, डंडा पकड़ना है, वो आपको क्या करना है वो आपको अब जीवन में अब आपको तय करना पड़ेगा। जीवन में जो तय करोगे निश्चित ही आपको वो परिणाम मिलेगा। मेहनत सफलता की कुंजी है, मेहनत करोगे तो आपको जरूर फल मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी विनम्रता। यदि आप में अनुशासन है तो आप जिंदगी में कभी भी आप असफल नहीं होंगे, आप हमेशा सफल होंगे। आपने 12 वर्ष तक स्थानीय विद्यालय में जो आपने शिक्षा ग्रहण की है उन गुरुजनों का आप कभी मत भूलना नाम, क्योंकि इन गुरुजनों की बदौलत से आप 12 वर्ष तक आप यहाँ शिक्षण करके आप आगे जाओगे। आप डॉक्टर भी बन जाओगे, कलेक्टर भी बन जाओगे, एसपी भी बन जाओगे, अधिकारी बड़े बड़े बन जाओगे, लेकिन इन गुरुजनों का जो कर्ज है वो आप कभी जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे। इसलिए इनका आप जो मान सम्मान हमेशा रखना, चाहे आप इनकी बड़ी पोस्ट पर चले जाओगे लेकिन इन गुरुजनों के आगे वही आप क्या रहोगे, शिष्य रहोगे। ये बात आप कभी भी जिंदगी में हमेशा कभी मत भूलना।
आपने 12 वर्ष तक स्थानीय विद्यालय में जो आपने इन छोटे भाई बहनों के साथ में स्नेह और प्रेम रखा, वैसा ही स्नेह प्रेम आप आगे भी जाओगे वहां फिर भी आप ऐसा ही बने रखना, ठीक है। अब आगे यहाँ से आपके बिछुड़ने का जाने का रास्ते सबके अलग अलग है। कोई जालौर कॉलेज जाएगा, कोई बारमेड कॉलेज जाएगा, कोई सीकर जाएगा, कोई अलवर जाएगा, कोई भरतपुर जाएगा, तो वापिस आपका इतना मिलन बड़ी मुश्किल से होगा। तो हमेशा भाई बहनों के साथ में प्रेम से रहना, गुरुजनों का आदर सम्मान करना और सही रास्ता सुनना। जिंदगी है ये एक अंधी जिंदगी है। अब आपको मालूम नहीं अपन तो क्या है, खड़ा लगा करके वैसे बोया को खींचना वगैरह अब ज्यादा है अपन को, लेकिन इसमें अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को अनुशासन में और जिंदगी का कैरियर बनाना है। आप यदि अच्छा कैरियर बनाओगे तो अपने माँ बापों का भी नाम रोशन होगा, अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन होगा। शिक्षा की कमी थी पहले अपने राजस्थान में भी, बारमेर और जैसलमेर का नाम लेते लोग डरते थे, लेकिन आज शिक्षा की कमी नहीं है। आज बारमेर जिला है वो पूरे राजस्थान में टॉपर पर चल रहा है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। तो अपन को भी जो आगे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनकी संगत करना, उनके साथ में उनके विचार विमर्श करना। गुरुजन आपके लिए कभी भी जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ आपके लिए हाजिर है, लेकिन उनके पास में अपन को जाकर के सीखने के लिए उनके पास में जाना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन के लिए अपन को उनको कहना पड़ेगा कि सर अब हमारे को क्या करना है। यही आपको और आगे ले जाएंगे और जिंदगी में आगे ले जाएंगे, और बड़े होंगे तब आपको बहुत ही याद आएंगे कि हमने उस गुरुजनों की सलाह मानी होती तो आज भी हम यहाँ बैठे होते। हमने तो पहले इतने गुरुजन भी शिक्षा मार्ग को मतलब नहीं देते, क्योंकि ग्रामीण एरिया था, पढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं था, आने जाने के साधन नहीं थे, मोबाइल सुविधा नहीं थी, तो भी हमने तो कई ठोकरें खा करके आज जो इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। लेकिन आप हमारे से भी आगे जाना, ये हमारी आपके साथ में मंगल शुभकामना है। आपने जो विद्यालय में 12 वर्ष तक इस विद्यालय में आप रहे, शायद ये सोफा आपने लाया है, तो आपको इस दालिया परिवार की ओर से और इन छोटे मोटे बालक बालिकाओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी गुरुजन और बाहर से जो मेहमान आएंगे वो इस सोफा पर बैठेंगे तो जरूर आपको याद करेंगे, ठीक नहीं। इसलिए आपने बहुत ही अच्छा एक मतलब संकल्प लेकर के और आपने बहुत अच्छी मतलब मन से बात लेकर के आपने ये सोफा लाया है, इसलिए आपका समस्त विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उत्तरोत्तर आप प्रगति करते रहे, जहाँ भी हमारे गुरुजनों की आपको आवश्यकता पड़े आप कभी भी सही रात को भी हमारे को फोन करना, हम आपके लिए सहर्ष जहाँ भी जाएंगे वहाँ तन मन और धन से आपका साथ देंगे और साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी विद्या